खरही पंपिंग पुनर्गठन योजना में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि योजना के निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की जा रही है। पाइपों को मानक के अनुसार दबाया नहीं जा रहा है, साथ ही कई स्थानों पर तो पाइपों को खुला छोड़ दिया गया है, जिससे विभागीय अभियंताओं की लापरवाह कार्यशैली उजागर होती है, साथ ही सरकारी धन का दुरुपयोग भी हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी गई कि यदि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं किए गए तो आंदोलन किया जाएगा। इधर उपजिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने समस्या के निदान का भरोसा दिलाया है। देखिए, अभी भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत युद्ध स्तर पर कार्य हर जगह किया जा रहा है। इस संदर्भ में एक योजना है खरही पंपिंग पुनर्गठन योजना, जो कि अभी उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा इसमें टेंडर जारी किए गए थे और कार्य लगभग 2 महीने से कार्य चल रहा है। उसी क्षेत्र में मैं ग्राम बजा देवलधार का निवासी हूँ और विगत 1 महीने से देख रहा हूँ कि कार्य में अनियमितता बरती जा रही है। जो विभागीय जो नियम है कि जो पाइपलाइन है जो 1 मीटर के अंदर के दायरे में दबनी चाहिए, वो सड़क के किनारे तक ऐसे हालात हैं कि खुले में छोड़ा जा रहा है, जिसमें अधिकांश बच्चे झूला झूलने का कार्य कर रहे हैं या जनवरी जो हमारे जानवर हैं वो उनका गिरने का भय बना हुआ है। इसके बाद लगातार विभागीय अधिकारियों को फोन पर सूचित कर दिया गया है, वीडियो भेजी जा चुकी है और ठेकेदार को भी सूचित कर दिया गया, लेकिन सभी अभी विभागीय मूक बने हुए हैं। इससे यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत का एक आशंका जाहिर होती है और विभागीय प्रशासन इसमें उठते हैं। तो मेरी एक गुजारिश यही है, हमने आज SDM महोदय को एक ज्ञापन दिया है, इसमें मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग तत्काल संज्ञान लें, जिससे कि वो जो एक बाद में जो आपदा का सब में जो हमारे पाइप बह जाते हैं वो एक तत्काल रूप से नियमों की तरफ बहें और सरकारी धन का सदुपयोग हो, क्योंकि 22 करोड़ की यह योजना है, कहीं ना कहीं इसमें घोटाले होने की पूरी चांसेज हैं। और मेरा पूरी फोटो सबूत के साथ मैं आज यहाँ पर आया हूँ और तत्काल कार्रवाई नहीं होती तो पूरा युवा कांग्रेस के तत्वाधान में आज आ रहा हूँ मैं, और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो युवा कांग्रेस इसमें तत्काल धरना स्थल पर बैठेगा और इसमें विभागीय स्थल पर जा करके इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। एशिया न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।